तो देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ कैसे करोगे, इसे लॉक कर लेना, कंट्रोल टू क्या है शॉर्टकट की लॉक करने की, हाँ कंट्रोल टू से, ठीक है। फिर पेन टूल ले लिया था हमने, और पेन टूल से यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। ड्रॉ कैसे करेंगे, इस पॉइंट को स्टार्ट लिया, इस पॉइंट को लिया, मैं इसको देख रहा हूँ पर मैं थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करूँगा इसे, ठीक है। तो इसकी सही बनी हुई नहीं शेप, कान को मैंने ऐसा कर दिया। मैंने कहा था कि फिल को बंद कर लेना, स्ट्रोक में कलर रख लेना क्या। पता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना इसकी तभी हो पाएगा, ये ऐसे नहीं हो पाएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, इसे बैठ के तुम्हें ना रोज 2-3 घंटे देना पड़ेगा तभी हो पाएगा। हर दिन नया नया करना पड़ेगा, एक एक दो दो डिजाइन रोज करेगा तो अपने आप हाथ बैठ जाएगा। हमें भी, हमारा भी ऐसा ऐसे ही बैठा था। मैं घर में करता हूँ सर, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये देखो ऐसे सेलेक्ट कर लिया, ये अपोजिट में ड्रैग करना होता है। जैसे अभी ले जाना ना, अपोजिट में ड्रैग करना है। ये सोच, ये ड्रैग अपोजिट में ड्रैग होता है ये, ठीक है। सोच के चलो कि तुम्हारे पास अगर 3 महीने है तो 3 महीने में तुम्हें 80-90 ड्रॉ करने हैं। हाँ हर अभी हो, एक हाँ हर दिन एक अलग अलग इलस्ट्रेशन, किसी का फेस पकड़ लो, सेम बनाने कुछ करो। सर आप असाइनमेंट दिया करो ना कभी हाँ कभार, इतने बोल आप दे ठीक है दिए थे वो मैंने इतने सारे, तो कर लिया। आप पिक्चर भेज दो ना, हम उसको बन दूंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ हो गया। इसको उठा के इधर रख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये वाला ग्रेडियंट बनाना है इसके अंदर, ठीक है। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल F9 शॉर्ट की है, ग्रेडियंट की कंट्रोल F9 ग्रेडियंट की शॉर्ट की है। आपने क्या करना है, इसके बाद यहाँ क्लिक कर देना है। तो और फिल मतलब कहाँ कैसे करना है, फिल के ऊपर लाना है, फिर क्लिक करना है कंट्रोल F9 करके, और यहाँ क्लिक कर देना है फिर। तो ये कलर आ गया, शॉर्टकट क्या है कंट्रोल F9। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, आई दबा के आई ड्रॉपर टूल लेना है, और ना ऐसे क्लिक करोगे तो सॉलिड कलर आ जाएगा, ऐसे क्लिक नहीं करना। आपने यहाँ क्लिक करना है, आई ड्रॉपर टूल लेना है, शिफ्ट दबा के क्लिक करना है, आ गया। फिर आपने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के क्लिक किया, ये आ गया, ठीक है। हाँ फिर एक क्लिक और के एक कलर और आ गया, शिफ्ट दबा के फिर क्लिक कर दिया। तो देखो ये कलर हमारा है कुछ इस तरीके से बन गया। अब मुझे करना क्या है, ये कलर जो है ना थोड़ा ब्लेंड करना है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए मुझे। तो इस पॉइंट को ना पकड़ के ना यू ड्रैग कर देंगे, आ गया। अब हमें यहाँ पे अलग कलर चाहिए, यहाँ वो चाहिए, आईज चाहिए, इस तरीके चाहिए। तो अब ये ड्रॉ कर लेते हैं, आ गया समझ में। जी फिल को बंद, स्ट्रोक में कलर, चल दिया आ गया। इसके अंदर अपन ने क्या करा, ये वाला कलर दे दिया, और इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके, ये क्या फोन चला रहा है, इसको उठा के ऐसे सेट कर लेता हूँ। ये मेरा ऐसा कुछ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ना ग्रेडियंट्स में भी चाहिए। साइड में डार्क कलर से हाँ भी कैसे आएंगे कौन सा, ये वाला डार्क। तो आपने पता क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये बनाना पड़ेगा।
ये ना क्या करना पड़ेगा, आपने पेन टूल लो, इसको भी ड्रॉ करो ऐसे ऐसे और क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर दो। ये सब वो कलर देख के उसे उतार रहे हैं। हाँ, अब इसका कलर देके और इसको उठा के यहाँ रख दो। ऐसे फिर इसको ग्रुप कर लाया ना सर। हाँ हाँ सर, इसको उठाते कैसे? सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल से वी दबा के, वी वी विक्ट्री वाला वी। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे ऐसे ही यहाँ पे शेड चाहिए। मैंने पेन टूल लिया, ऐसे रख दिया, इसको पिक करके इसे मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, आ गया। इसी को पकड़ के इसे मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे। हाँ ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, ये आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सर्कल ले लेता हूँ, इसको यूं मिला लेते हैं इस पॉइंट से, इसको यूं सेट कर लेते हैं डायरेक्ट सेशन टूल से, इसको भी सेट कर लेते हैं डायरेक्ट सेशन टूल से, ये ऐसा। ठीक है, यहाँ कुछ ड्रॉ कर लेते हैं पेन टूल। इसको ड्रॉ करते हैं काला वाला है। हाँ, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं और इसके अंदर कलर दे देते हैं ये वाला, तो ये हमने ऐसे सेट कर दिया। आ गया। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर अपन यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, और इसका कलर कौन सा आ जाएगा? ये कलर आ गया। ठीक है, आया समझ में आपको? इस पे भी ग्रेडियंट दे देते हैं, तो इस पे मैं अपने हिसाब से ग्रेडियंट दूंगा। देखो, क्लिक किया, ये ग्रेडियंट आ गया। इसको हटाया, इस पे क्लिक करा मैंने और यहाँ पे डबल क्लिक करा। ये देखो, यहाँ मैंने ब्लैक कलर दे दिया, फिर मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा, अब की बार मैंने एक ग्रे सा कलर दे दिया यहाँ पे ऐसे। ठीक है, कितना रखना है वो अपने हिसाब से सेट कर लो यहाँ पे। ये रहा, ये आ गया। ठीक है, इसे यहाँ पे इसको वो दे देते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने पेन टूल लेके इसको लेके यहाँ रख लेता हूँ। आगे समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है, ग्रेडिंग यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडिंग का रोल तो समझ में आ गया। अब हम एक ना फोटो डिजाइन करते हैं, सिंपल सी ना, एक लिपस्टिक ले लेते हैं। और मैं लिपस्टिक में देखो ग्रेडियंट दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है ना ग्रेडियंट? अपन ये ग्रेडियंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये कॉपी में यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पेन टूल लिया, ठीक
फिल को कर लेंगे बंद, स्ट्रोक में रखेंगे कलर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ऐसे सेट कर लिया। अब अपन ने क्या करा, इसके ऊपर ग्रेडियंट दे दिया, यहाँ पे क्लिक करके मैंने ग्रेडियंट डाल दिया, ये ग्रेडियंट आ गया। अब ये ग्रेडियंट ना क्या करना है, आधा अलग कलर का चाहिए, आधा अलग कलर का चाहिए, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके ऐसे सेट कर लिया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद, हाँ इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वाला टूल लिया और इसको मैंने ऐसे सेट कर दिया, आ गया ऐसे सेट कर लिया। सर ये जो तीन है ये क्या है? ये तीन जो है ना, ये इनके बीच का डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, इंफिनिटी और ये लास्ट है। हां ये इनके बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है। अब यहां से ना ये थोड़ा सा ना ये घुमा भी सकते हैं ऐसे, ये ओके ये आ गया, तो बन गया हमारा ये। ये पूरा ब्लैक जो है वो सॉलिड चाहिए, तो आप इसको उठा के ड्रैग कर देना तो पूरा सॉलिड सा आ जाएगा। कौन सा कलर चाहिए वो चूज कर लेना, यहां पे इस पे क्लिक करके मैंने ब्लैक कलर दे दिया, तो जो भी प्रॉपर ब्लैक हो गया, हो गया ये। अब आते हैं इसके ऊपर सेकंड वाले पेन, इस पे तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे फिर से पेन टूल लिया, तो पुराना वाला ग्रेडियंट इसके ऊपर आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रख लिया। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है इसके ऊपर, फिर आई ड्रॉपर टूल, फिर ये वाला कलर दे दिया, फिर आपने इसके ऊपर क्लिक किया आई ड्रॉपर टूल, और कैसे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के, हाँ तो आई ड्रॉपर टूल शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करा, फिर यहाँ पे क्लिक किया शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दिया, और यहाँ क्लिक किया शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दिया। यहाँ पे एक और चाहिए, शिफ्ट दबा के एक कलर और दे दिया, जितना यहाँ पे चाहिए कलर उतना नीचे क्लिक करते जाना है। और कोई एक्स्ट्रा आ गया सही नहीं लग रहा आपको, तो यूं पिक करके हटा भी सकते हो, और ऑल दबा के यूं ड्रैग भी कर सकते हो, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, एक और पिक किया, और यहाँ पे हमने, अच्छा यहाँ पे क्लिक करके कलर लोगे तो उससे शिफ्ट नहीं दबाना पड़ेगा, तो शिफ्ट दबाना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे ही आपको डायरेक्ट आई ड्रॉपर टूल यूज करना है शॉर्टकट से, तो शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है। जब कोई एक्स्ट्रा आगे हटाना तो नीचे की तरफ ड्रैग कर देगा, ठीक है। ये F9 की लिंक के बाद ये पॉपअप शो कर लेता है, F9 कंट्रोल को सेट करें, हाँ यहाँ से सेट कर लिया हमने, तो ये हमारा इस तरीके से ये शेप आ गई। आगे अब मुझे ये चीज बनानी है पेन टूल से, ठीक है। पेन टूल लिया, यहाँ से इसे क्लिक किया, एक एक दो, और ये हो गया एक तीन, फिल को बंद कर लेते हैं और ऐसे ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है ये आ गया। इसका कंधा कलर दे दिया हमने रेड कलर, ये आ गया। इस पे क्लिक करा, ये आ गया, मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको 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 हटा दिया, और यहाँ पे मैंने आई ड्रॉपर टूल लेके शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक किया आई ड्रॉपर टूल लेके शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दिया, अगेन शिफ्ट दबा के क्लिक कर दिया, और अगेन ऐसे आ गया। क्लियर है, यहाँ पे ऐसे आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये कट वाली शेप बनानी है, ये वाली है ना, तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉ इनसाइड पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट डी, सर्कल लेके एक सर्कल लेके यूं ड्रैग कर देंगे, तो देखो इससे क्या हो जाएगा, इसी के अंदर शेप आ जाएगी, वापस नॉर्मल क्लिक कर देना, तो देखो आ गई ना शेप, क्या करा मैंने समझे, अभी शिफ्ट डी दबाया मैंने दो बार,
ये देखो ये शेप आ गया, इसके बाद जो भी मैं ड्रॉ करूंगा तो वैसे ही आएगा, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो क्या हो गया अलग शेड दिखाई दी, तो ये देखो अलग दिख रहा है हमारा, ये ऐसा आ गया। और दो बार सिद्धि करोगे तो दो बार कर लेंगे। हाँ अब इसको उठा के यार ये क्या दब गया मेरे से, यहाँ पे होता है ये व्यू में जाके पिक्सल व्यू ओवर प्रिंट व्यू, नहीं चलो ये बाद में देख लेगा, इसको पिक कर लेते हैं और उठा के मैंने यहाँ रख लिया। ठीक है इसको मैं अलग फाइल में देता हूँ, ग्रुप कंट्रोल एन नई फाइल, ये देखो फिलहाल अभी हमारा ये ऐसा कुछ बन गया है। ठीक है आया समझ में, देखो हमारे पास इस तरीके से बन गया, क्लियर है। पीछे मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड भी मुझे कुछ इसी तरीके का चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक रेक्टेंगल लेके यूं उठा के ऐसे ड्रैग कर देंगे, ठीक है फिर यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये ऐसा आ गया। ये देखो ये सर्कुलर वाला भी देख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे सर्कल वाली शेप में आएगा, इसे रेडियल ग्रेडियंट बोलते हैं, इसको लीनियर ग्रेडियंट बोलते हैं। इस पर क्लिक करना डबल, अब मुझे अपने हिसाब से कलर चाहिए तो डबल क्लिक करना, यहाँ पे कलर चूज कर लेना कौन सा कलर चाहिए, आ गया। इसको पीछे भेज देते अपन, ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। आगे ना उनमें तो इस तरीके से अपन दे सकते हैं। अच्छा ये इतना करने के बाद देखो एक जी भी दबा देना, जी दबा दोगे तो ग्रेडिएंट के लिए ऐसे भी आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, फीचर बोल लीजिए। हाँ फोन दिखाइए ना, कितना आ रहा है, अलग ही नंबर आ रहा था क्या। हेलो कंपनी वालों अच्छा आगे समझ में, तो यूं ड्रैग कर सकते हैं ऐसे जी स्टार्टिंग से। ग्रेडियंट देने के बाद आप क्या करना है जी भी दबा सकते हो, आपने जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जी दबा दिया, इससे देखो ऐसा आ जाएगा ग्रेडियंट देने की बाद ही होता है ना। अब आप इसे जहाँ भी ड्रैग करोगे वहां पे कलर आएगा उसी साइड से ऐसे। आगे समझ में, अब मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन भी चाहिए इसका, तो रिफ्लेक्शन चाहिए तो इसकी कॉपी कर लेंगे कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लेंगे और इसी को उठा के मैंने नीचे कर दिया है, इसकी ऑपेसिटी अपन कर देंगे कम। ये ऐसा कुछ आ गया, ये शैडो हो गया। अब आते इसका ना कोई एक मतलब डिजाइन टाइप बना लेते हैं, तो एक एडवर्टाइजमेंट भी बना लेते हैं इसकी कहीं, ठीक है इमेज और
इसको थोड़ा सा अपना फ्रेम में दिखा लेते हैं, छोटा सा फ्रेम बना लिया और इसी की मैंने क्या करा स्ट्रोक दे दी, पहले कॉपी किया और कंट्रोल एफ से पेस्ट किया, इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको पीछे भेज दिया। इसका कलर दे दिया मैंने कौन सा वाइट कलर, और इसको मैंने उठा के यहाँ रखा, ऐसे मैंने सेलेक्ट करके ऊपर रखा, दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल सेवन कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे इसका वाइट कलर दे दिया और यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, इसको मैं उठा के थोड़ा सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मेरा एक डिजाइन आ गया, आया समझ में आपको? ठीक है, थोड़ा सा और डिजाइन दे देते तो मैंने क्या करा इसी को कॉपी किया पेस्ट किया, इसी को मैंने उठा के इधर रख लिया ऐसे, और कन्वेंशन टूल लेके ऐसे कोई डिजाइन डाल दिया, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ कंट्रोल जी से, इसको मैंने उठा के ऐसे सेट कर लिया। एक काम करते कॉपी कर लेते हैं, बैक में पेस्ट कर लेते हैं, इसी की मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया ऐसे, और इसको मैंने यहाँ पे कलर जो है इसका ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है, ये बात कैसे बना, ये थोड़ा कंफ्यूज है, पता नहीं। ठीक है, तो लाइक मेरा ये ऐसा कुछ आ गया। ये मैंने कैसे बनाया पता है आप सबको? किसको बताइए मैंने कैसे बनाया, किसको बताया? हाँ, पहले मैंने रेक्टेंगल बनाया इस तरीके से ऐसे। ठीक है, फिर मैंने ये वाला टूल लिया, कन्वेंशन टूल बोलते हैं इसको, ऐसे क्लिक करने से ना ये शेप भी ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं पीछे भेज देता हूँ। हाँ, कंट्रोल कर ले बैठे, कलर दे देता है अलग सा कोई। आ गया समझ में? हाँ, ये हमारा डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके से बन गया, समझ में आया आपको ये? क्या एक घंटा सर 2 बजे से शुरू करना चाहिए था क्या क्लास? 2 बजे से? हाँ करूँगा मैं, 2 बजे से करूँगा, एक बैच खत्म होने वाला है 2 बजे से एंडिंग। कैसे किसी समझ में आ गए तुम लोगों को? क्लियर है नहीं? तो हम इस तरीके से क्या कर सकते थे, डिजाइन बना सकते हैं। तो मैंने क्या करा है इसके अंदर, मैंने ग्रेडियंट यूज किया है। ठीक है, तो ग्रेडियंट की शॉर्ट की क्या थी, कंट्रोल 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 F9। कंट्रोल F9 शॉर्टकट है इसका। ठीक है, आप कंट्रोल F9 करोगे तो आ जाएगा, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एडजस्ट कर लो जितने कलर आपको ऐड करना है। और देखो ये दो, अभी एक सेकंड, 2 ग्रेडियंट में बता दिए, एक ग्रेडियंट और यूज करते हैं, ये बैकग्राउंड आना था सही सा है ना, तो मैंने यहाँ पे इसको व्हाइट कलर दे दिया फिलहाल। और देखो एक ग्रेडियंट यहाँ पे भी है, ये वाला फ्री फॉर्म ग्रेडियंट, ये कैसे काम करता है, आप यूँ क्लिक कर देना, जहाँ जहाँ कलर चाहिए वहाँ पे ऐसे बस पॉइंट बनाना, कौन सा कलर चाहिए उस चूज कर लेना, जैकेट के ऊपर भी ऐसे कर सकते थे ना। तो देखो जहाँ पे जोन सा कलर चाहिए वहाँ कलर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टी कलर अगर आपको कहीं कहीं पॉइंट पे चाहिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आया समझ में ये चीज? तो होली का बैकग्राउंड बनाना तो बन जाएगा अच्छा। ये देखो ऐसे मल्टीपल कलर आ जाएगा, तो जहाँ पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहाँ पॉइंट पे ऐसे आ जाएगा ये।
ठीक है, ऐसे जो ड्रैग कर सकते हो, तो ये भी एक ग्रेडियंट है, ये भी सही है। ड्रैग करने के लिए कुछ चूज करना पड़ेगा क्या सर? अगर इसे हटाना हो इसे फेस के ऊपर, फेस के ऊपर नहीं आएगा ना बैकग्राउंड, वो हो जाएगा पर वो अलग तरीके से होगा। अभी तो हम बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट कर रखे हमने, इसमें कुछ चूज नहीं करना पड़ेगा। एक बार हटाना होगा तो कैसे होगा, पिक करना है आपने और यहाँ डिलीट का बटन दिखा रहा होगा, डिलीट है, इस पे क्लिक करोगे डिलीट हो जाएगा वो कलर, इसको पिक करेंगे उसको कंसर्ट करना है। ओके, साइज कम ज्यादा करना है तो ऐसे साइज कम ज्यादा कर सकते हो, डिलीट। इसके अंदर भी दो तरीके दे रखे हैं, एक लाइन वाला भी दे रखा है। लाइन वाला यूज करोगे तो क्या होगा, यू ड्रैग करना ऐसे, देखो लाइन के हिसाब से आएगा, तो ये लाइन के हिसाब से ग्रेडिएंट आएगा, आप जैसे जो भी करोगे वो लाइन के हिसाब से कलर आएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो आपको जो अंदर कलर दोगे वो कलर आ जाएगा उस लाइन के बीच में, उस लाइन के बीच में आएगा। तो ये ग्रेडिएंट काफी अच्छे अच्छे है, मतलब आजकल काफी ज्यादा यूज होते हैं। समझ में आ गया ना ग्रेडिएंट का रोल? एक प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, कौन सा ठीक है, आ गया ना, तो इस तरीके से हमारा ये इसका कॉपी करके ऊपर खींच लेते हैं। हाँ, कॉपी करके ऊपर खींच के, ठीक है, जो कंटेंट लिखना होगा वो कंटेंट हमारा यहाँ आ जाएगा। कैसे नहीं शैडो, जैसे टू कॉपी इसको नीचे कर देना, उसका कैप्चर ठीक है। तो ये चीज हमारी इस तरीके से बन गई है ना। अच्छा, तो ये हमें आ गया कि किस तरीके से हमें किसी का भी दे सकते हैं हम, जैसे कि अगर लाइक मुझे इस पे भी वो चाहिए ग्रेडिएंट, तो मैंने ऐसे भी पिक किया। उसी की कॉपी पहले, हाँ पहले कंट्रोल सी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल बी करो बैक में पेस्ट, और इससे यूं ऐसे यूं ड्रैग कर दिया, कंट्रोल बी कर दो, बी ना बी 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 वेक्टर और बैक बी बॉल वाला नहीं, और कंट्रोल बी बी से बैक में पेस्ट हो जाएगा ना, तो आपको बैक में पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बी से, ठीक है। वो उससे ऊपर पेस्ट होता है, बी से बैक में पेस्ट होता है, वो ऑटो जनरेट हो जाएगा ना, जैसे सेम कॉपी राइट, हां सेम कॉपी होगा, फिर पीछे कॉपी पेस्ट होगी। आगे समझ में, तो इस तरीके से हमने ये लिपस्टिक का एक एडवर्टाइजमेंट बना लिया। जो भी आपको कंटेंट लिखना होगा वो कंटेंट डाल देना, जैसे लिपस्टिक का। एक सेकंड, क्या करूँ स्टार्टिंग से, कोई और ले रहा ना, अब ये ड्रॉ करना है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाना है, इसमें भी ग्रेडिएंट दिख रहा है ना। पहले मॉडल मॉडल बनाना, ठीक है, यह है हमने क्या करा, पेन टूल लिया, इस
इसके अंदर कलर दे दिया, कौन सा कलर चाहिए, आई ड्रॉपर टूल और कंट्रोल टूल। हां तो पता है कंट्रोल एफ9 और यहां पे क्लिक कर देंगे, ये ग्रेडिएंट आ गया, ये कलर सही है। बनाने के लिए यहाँ क्लिक कर देना कंट्रोल एफ9, ठीक है ये कलर आ जाए। यहाँ क्लिक करा, आई ड्रॉपर टूल लिया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करा, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, शिफ्ट दबा के मैंने यहाँ क्लिक करा, फिर मैंने क्या करा, बीच में क्लिक किया, यहाँ पे मैंने ये शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, फिर मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। होता है जो कलर नहीं आएगा, सॉलिड आ जाएगा ना, ग्रेडिएंट नहीं आएगा, नहीं लगता समझदार है पिछले बता रहे तो ये ऐसे है, समझ में आ गया ना, ये आ गया इस तरीके से। और अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, एक ये रेक्टेंगल चाहिए, तो हमने एक रेक्टेंगल लिया, ये रेक्टेंगल हमने यहाँ रख लिया। अब हमने क्या करा, फिर से इस पर क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल यहाँ से ये वाला, इस पर ये कलर दे दिया, इस पर ये कलर दे दिया, अगेन ये कलर दे दिया, और अगेन ये कलर दे दिया। सर अगर बीच में कोई ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, ऐड ऐड करने के लिए बीच में भी क्लिक कर देंगे, और ये ऐड कर दिया, एक कलर और ऐड कर दिया, तो यहाँ पे मल्टीपल कलर आ गया थे, ठीक है। थोड़ा बहुत ये आगे पीछे शिफ्ट कराना है, जी दबा देना, इसे यहाँ ड्रैग कर लेना, इस वाले पॉइंट को बीच में ड्रैग कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये वाइट ये चाहिए, तो मैंने इसी की कॉपी कर ली, पहले मैंने एक रेक्टेंगल कॉर्ड ले लिया, ये ऐसे सेट कर लिया, फिर इसके बाद मुझे कॉर्नर ना थोड़े से राउंड चाहिए ऊपर वाले, तो ऊपर वाले कॉर्नर जो है वो मुझे थोड़े से राउंड चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ से जाना, ये देखो ये पॉइंट आ गया, सेम क्लिक करके यूँ ड्रैग कर देना, ये पॉइंट आ गया, इसको भी क्लिक करके यूँ ड्रैग कर देना। अब इसके बाद क्या चीज़ चाहिए अपने को, ये हो गया। अब यहाँ पे इसी के ऊपर एक लाइन और चाहिए, तो कॉपी किया, कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ रख लिया इसे, और इसको यहाँ पे रिवर्स का ऑप्शन होता है, मैंने रिवर्स कर दिया था, अभी एक ना वो दिखाई दे लाइन से, रिवर्स कर दिया, रिवर्स से क्या हो जाएगा, ग्रेडिएंट उल्टा हो जाएगा, ठीक है फ्लिप हो जाएगा। फिर मुझे एक और चाहिए, इसी की मैंने कॉपी करी, इसी को मैंने उठा के इधर रख दिया, इसे मैंने यूँ ड्रैग कर लिया, ये हमारे पास ऐसे कुछ आ गया, ठीक है। जी दबाया ग्रेडिएंट, ये ऐसे आ गया, ठीक है काम करते इसको रिवर्स कर देते हैं, हाँ सही लगा, आगे नहीं है रिवर्स में क्या आता है, ये यहाँ से क्लिक करके रिवर्स हो जाता है, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब सेकंड क्या चीज चाहिए अपने को, ये बनाना है, तो अपने साथ बाकी सेट कर लेना, मैं रफ ही बनाऊंगा थोड़ा, ठीक है समझ में तो आ गया ना, इसके बाद अपन इसको यहाँ रख लेते हैं, सर वी दबा के, हाँ अब मुझे इसमें कलर चाहिए, तो यहाँ से ये वाला कलर और ये वाला कलर आ गया, Thank you.
हो गया ये सेट। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, अब मुझे ये सेक्शन चाहिए। तो मैंने ये वाला इसको पिक करा, ये आ गया। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑपेसिटी। ऑपेसिटी कम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, यहाँ ऑपेसिटी का ऑप्शन आएगा, ऐसे ऑपेसिटी यहाँ से कम हो जाएगी, कहीं से ज़्यादा कहीं से लाइट कर देता हूँ मैं। आ गया, ठीक है, कहीं कहीं बढ़ा देते हैं। सर अगर एक कई पर्टिकुलर जगह पे करना हो तो यहाँ से, हाँ यहाँ पे सेलेक्ट कर, ये में एक जैसे करना तो वहाँ से, हाँ वहाँ से कर लिया। तो आगे समझ में, ऑपेसिटी हम यहाँ से कर सकते हैं, कलर की जितनी भी ऑपेसिटी करना, ये तो कैसी शेड आ जाएगी, कहीं से लाइट कहीं से ज़्यादा। अब सेम क्या करना है, ये चीज़ बनानी है ऊपर वाला एंड टूल ऐसे, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ बिजी हूँ मैं, तुम काम बताओ। क्या चीज़, क्या हो रही है, हाँ हाँ अपने आप क्यों हो रही है, अपने आप क्यों हो रही है, नहीं तो उस टाइम तो इशू था तो सॉल्व तो कर दिया था। मैं एक बार अभी मैं फ्री होके ना मैं चेक कर लूँगा क्या इशू। वेबसाइट चल रही है, वेबसाइट चल रही है, अपने आप डिलीट नहीं होती, अपने आप डिलीट नहीं हो सकती। कभी कभी क्या होता है ना, कैसे आ गए हो तो उसको जैसे फाइल डिलीट होती है अपने आप। नहीं तो फाइल डिलीट थोड़ी होगी अपने आप। चलो मैं देख लेता हूँ, बोली तो ट्रैश में होगी, ट्रैश में चेक कर लो, ट्रैश में पड़ी होगी ना, अभी डिलीट हुई है तो ट्रैश में पड़ी होगी। अच्छा क्या देखो, हाँ मैं शाम को फ्री, मेरा शाम को फ्री, ठीक है ठीक है। हाँ तो ये आ गया, देखो डिज़ाइन इस तरीके से हमारा बन गया, आया समझ में आपको, क्लियर है ये सारी चीज़ें। बट सर मेरे को ये वाला में क्लियर डाउट है, कौन सा आपने जो रिवर्स किया ना, रिवर्स अगर देखो कोई भी ग्रेडिएंट को रिवर्स करना है यहाँ क्लिक कर देना, उल्टा हो जाएगा, ओके ओके, आपने छोटा वाला को रिवर्स कर दिया ताकि थोड़ा सा अलग सा रिफ्लेक्शन दे, कौन सी कम कर रही थी मैंने, यहाँ क्लिक करके रिवर्स कर, ये कर दो कॉर्नर वाला, वो ऐसे कर दो रिफ्लेक्शन, हाँ हाँ ये रिफ्लेक्शन कर भी गया था, मैं उल्टा कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, हाँ इससे होता है। चलो हो गया ये हमारा, देखो पूरा सेम बन गया।
आपको बस क्या करना है, कंटेंट डाल देना अपना जो भी है, इसे ग्रुप बना लो। क्लियर है? तो अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए ना, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, आई ड्रॉपर टूल, और मुझे इसमें भी ग्रेडिएंट चाहिए। टेस्ट के अंदर ऐसा ग्रेडिएंट आता नहीं है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट ओ करना पड़ेगा, टेस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा उससे। कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट है, टेस्ट को ऑब्जेक्ट बना लीजिए। अब आप इसमें ग्रेडिएंट डाल सकते हो, ठीक है? पर ये अच्छा नहीं लग रहा ना, जी दबा के मैं यूँ ड्रैग करके देखता हूँ तो लगभग ये सही लग रहा है। कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट हो, फिर आप ग्रेडिएंट डाल सकते हो, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ग्रेडिएंट जो है वो ऑब्जेक्ट बन, वो टेस्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा उसके, मतलब कर्व हो जाएगा। फिर दोबारा से वो आप उसे रीटाइप नहीं कर सकते, मतलब कंट्रोल शिफ्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट हो क्या, अगर कोई टेस्ट लिखा हुआ है ओ ले, ठीक है? अब आपको इसमें ग्रेडिएंट डालना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर लोगे, ऑब्जेक्ट बना लोगे, अब क्लिक कर देना, ग्रेडिएंट आ जाएगा, ठीक है? शॉर्टकट नहीं याद तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे टाइप में जाके क्रिएट आउटलाइन लिखा होगा, ठीक है? तो इससे भी इसी में काम करेगा। क्लियर है? तो बाकी कंटेंट अपने हिसाब से डाल लेना, अभी हम ऐसे चेक कर देते हैं। तो आज आपने क्या करना है, आपने ये लिपस्टिक डिजाइन करनी है और एक वॉले की बोतल डिजाइन कर लेनी है, फिर अपना एडवर्टाइजमेंट बनाना इसी तरीके से, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? कैसे? तुम तो यहीं रहते हो, वहाँ तो पास में ही है। हाँ, तो ये पैदल ही पैदल आया जाएगा। मेट्रो से अशोक नगर तो ये ना, न्यू अशोक नगर वहाँ पास तो वो भी जादू दूर है, फिर भी चल 30 मिनट वो तो फिर वो ले लिया करो ना, वो नहीं वो रिएक्शन रिक्शा तो वहीं तक कर देती है चौक तक। हाँ, तो ये देखो हो गया ना, तुमने इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। तो आपने ये ड्रॉ करना है, ठीक है? बनाओ उसको बैठ के, ये कल इसी से ना कार डिजाइन करेगा।